राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सभी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है हम यहाँ बैठ के मूँगफली खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आपके लिए रेसिपी की तैयारी हो रही है। एक्चुअली कल गए थे हम मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद हमें काम पड़ा, मतलब कि बेकरी की दुकान पे जाने का। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे वहाँ पे दिखाई दी दो तरीके की चिक्किया, एक तो मुरमुरे की चिक्किया और मूँगफली की, दोनों ही मेरी बड़ी फेवरेट है ये चिक्किया। फिर मेरा बड़ा मन किया कि मैं इनको ना ले लेती हूँ, बट जब मैंने इनके प्राइस पूछे ना, बड़े महंगे महंगे प्राइस थे। छोटी छोटी सी चिक्किया ही हथेली भरी होगी, 30-30 रुपये की दे रखी थी। फिर मुझे ऐसा लगा चलिए हम ना इनको घर पे ट्राई करते हैं। अच्छा, मेरे पास ना कच्ची मूँगफली नहीं थी, ख़त्म हो रखी थी, तो हम मार्केट से 2 किलो ना ये मूँगफली लेके आए थे नॉर्मली खाने के लिए, जो भुनी भी आती है सर्दियों में खाते हैं। मैंने सोचा चलिए इन्हीं की चिक्की बना लेते हैं, चिक्की बनाने के लिए मूँगफली की तो ज़रूरत होती है, ऊपर से मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने खूब सारी मूँगफली छील लिया है, और इसका ना रगड़ रगड़ के छिलका उतार लेना है, और फटक के ना इसका छिलका निकाल लेना है। चलिए, अब खाना खाने के बाद मूँगफलियाँ छील ली थी, और मूँगफली छीलने के बाद मैं पड़ के सो गई थी। उसके बाद तीसरे पैर का टाइम हो रहा है, 3 बजे की चाय बना रही हूँ, और मूँगफलियाँ तैयार करके यहाँ पे रख ली है। तो साथ साथ में चाय भी पीते रहेंगे और अपनी मूँगफली की चिक्की की रेसिपी भी शूट करते रहेंगे। यहाँ पे रख दिया है ये पैन, पैन को हल्का सा गर्म हो जाने देते हैं। गुड़ लेके आ गई हूँ, ये चिक्की गुड़ में ही बनाई जाती है, ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए पहले ना चाय को सर्व कर देती हूँ, नहीं तो फिर चाय ठंडी हो जाएगी और पीने में ना अच्छी नहीं लगती है। ऊपर से जो मेरी सासू माँ है ना, उनको चाय रखी अगर थोड़ी सी देर भी हो जाती है ना, तो उनको पीने में मज़ा नहीं आता है, बोलती है ठंडी हो गई है। वो चाय ना स्टील के गिलास में पीना ज़्यादा पसंद करती है, तो मैंने ना 3 गिलासियाँ स्टील की ले लिया, जिसमें चाय की है, मतलब एक मेरी सासू माँ की और 2 बच्चों के लिए। बच्चे पता क्या करते हैं, चाय पी और गिलास ऐसे के ऐसे ही रख दिया, मतलब कितनी बार ना ठोकर वगैरह लग जाते हैं, कांच का गिलास ना टूट जाता है, इसलिए मैंने उनको ना स्टील की गिलासी में दे दिया, कटोरी में कर करके पी लेंगे। यहाँ पर मूँगफली के छिलके मैंने बिल्कुल अच्छे से उतार लिए थे। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मूँगफली आपकी साबुत है और आप उसको तोड़ना चाहते हो, तो आप ना उसको हल्का हल्का सा तोड़ भी सकते हो, मतलब जैसे एक मूँगफली उसमें से 2 या 3 टुकड़े बना लोगे तो ज़्यादा अच्छी बनती है ये चिक्कियाँ। चलिए, यहाँ पे मैंने गुड़ डाल दिया है। अगर मैं आपको मेजरमेंट बताऊँ ना, तो करीब करीब यहाँ पर ये मेरी 500 ग्राम की जितनी मूँगफली होगी, और 500 ग्राम मूँगफली में ना हमें 400 या 350 ग्राम के जितना गुड़ ही ले लेना है, बल्कि मेरे से तो यहाँ पर गुड़ थोड़ा सा ना ज़्यादा ही हो गया था, बट खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। आप ना मतलब बराबर का ही गुड़ ले लीजिएगा तो बहुत हो जाता है। अच्छा, मूँगफली की चिक्की बनाना जो डिपेंड करता है ना, वो करता है टोटल चाशनी के ऊपर। अगर आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट नहीं जाएगी ना, तो चिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। मतलब अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो कड़वी कड़वी सी लगेंगी, और कम रह जाएगी तो वो चिपचिपी लगेंगी, या फिर मतलब खिंची खिंची सी लगेगी। हमने इसे पानी नहीं डाला है, ऐसे के ऐसे ही गुड़ को डाल के मैंने इसको ना कवर कर दिया था, और कम से कम 5-6 मिनट तक छेड़ा नहीं था। धीरे धीरे ना गुड़ को मेल्ट हो जाने देते हैं, मतलब इस तरीके से चाशनी बनानी है। ना तो यहाँ पे हमें घी डालना है और ना ही यहाँ पे पानी डालना है, बस चाशनी का बनने का इंतजार करना है, और गैस का फ्लेम बिल्कुल ना लो ही रखना है। आप देख रहे हैं ना, पूरी चाशनी को बनाने में मैंने गैस का फ्लेम ना लो ही रखा हुआ है। चाशनी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे, गलती से भी चाशनी हमारी तेज ना हो जाए। कितनी बार तो चाशनी ऐसा लगता है कि तैयार हो चुकी है, लेकिन तैयार होने का भी इसका एक खास पॉइंट होता है, वो आपको बताऊंगी। लगभग ना 8 मिनट के बाद मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, ऐसे फ्लैट से बर्तन में लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, और थोड़ी सी ना चाशनी की ड्रॉप यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए, वैसे तो चाशनी यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रही है जमी हुई, कि ये जम चुकी है, और इस तरीके से तोड़ते हैं तो मतलब टूटने भी लगती है, जैसे ठंडी हो जाएगी तो अच्छे से टूट जाएगी, लेकिन टूटते वक्त आपने देखा है ना ये थोड़ी सी खींच रही है, इस तरीके की चाशनी नहीं हमें चाहिए। फिर से इसको 2 मिनट के लिए पका लेते हैं और फिर से चेक करते हैं। कहने का मतलब यह है, जिस तरीके से भी आप कंफर्टेबल हो ना, आप इसको बीच बीच में ना चेक करते रहिए, मतलब चाशनी ही मायने रखती है परफेक्ट चिक्किया बनाने के लिए। मैंने फिर से ड्रॉप डाली, देखिए जैसे यहाँ पे आप ड्रॉप डालोगे ना पानी के अंदर, पहली बात तो वो नीचे डूबेगी नहीं अच्छे से, मतलब ऊपर को तैरती भी नजर आएगी, और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी देर में जब आप इस तरीके से तोड़ के देखोगे ना, तो जैसे ही इसमें हवा सी लगने लगेगी ना, ये इस तरीके से टूटने लगेगी, देखिए बिल्कुल कड़क होगी, टूट रही है ना,
तो अब ये चाशनी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है बहुत ही बढ़िया तरीके की। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ एक तार वाली दो तार वाली कैसी, मतलब हमें तो एकदम कड़क चाशनी चाहिए। अब इसे थोड़ी सी देर के लिए ना और चला लेते हैं, इसमें ना बहुत सारे बबल्स से भर जाते हैं ना, जैसे हवा सी भर जाती है, थोड़ा सा और चला लेते हैं और इसको ना नीचे उतार लेते हैं हल्का सा ही, कुछ ही सेकंड के लिए इसको और घुमा लेंगे। अब चाशनी का कलर देखिए बिल्कुल ना चमकारी है और निखरा निखरा लग रहा है, हल्का सा टेम्परेचर ना ठंडा हो चुका है। अब हम ये यहाँ पर मूँगफलियाँ डाल देंगे। अच्छा मेरा जो बेटा है ना पता नहीं क्यों वो इसकी ना मतलब क्या बोलते हैं ना टॉफी सी बना के खाता है और वो जिद करता रहता है कि मेरे लिए निकाल दो निकाल दो। थोड़ा सा कटोरी भी निकाल दिया है मैंने गुस्से में, क्योंकि जब ये चिक्किया बनाते हैं ना और ये जब इसकी लास्ट स्टेज होती है तो थोड़ी सी ना फुर्ती करनी होती है, नहीं तो ये ना बस प्लॉप हो जाती है। प्लॉप तो नहीं मतलब जम जाती है, जैसा हम बनाना चाहते हैं ना फिर ऐसे नहीं बनती हैं। ये जो आप नॉन स्टिकी जो स्पेशला देख रहे हैं ना, ये रेसिपी बनाते बनाते बीच में से ही टूट चुका है। अच्छा इसको ना अच्छे से बना के अब हम इसकी जो है टिक्किया बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे तो हम इसको छू नहीं सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसको थोड़ा सा ना आप अपने काम में स्पीड लाते हुए ना फटाफट से इसके गोले बना ले, मतलब इसके पार्टीशन कट कर ले, फिर एक चकला ले ले उस पर थोड़ा सा घी लगा ले ताकि चिक्के हमारे चिपके ना और फटाफट से ना काम हो जाए। इस चम्मच पे भी मैंने लगा लिया है क्योंकि इससे मुझे ये चिक्की वाला मिश्रण उठाना है। और इस तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट करते हुए इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये काम आपको ना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, आपको मैं फिर से बता रही हूँ, नहीं तो ये जम जाती है, कवर नहीं होती है। खाई तो वैसे भी जाती है अगर ये जम गई, पर जो आप बनाना चाहोगे ना वो नहीं बन पाएगा। तो फटाफट से आप देख रहे हैं ना ये जमता जा रहा है, तो जल्दी जल्दी से ये काम कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से, एक इस हाथ पे भी थोड़ा सा ना घी लगा के रखिएगा तो जल्दी जल्दी से मतलब बाइंडिंग आती चली जाती है इसमें। आप चाहे तो इसके इसी तरीके से लड्डू भी बना सकते हो, जैसे मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में यानी गोलों में तोड़ के रखा है ना, बस इनको आप गोल करते जाइए तो इसके लड्डू बन जाएंगे। बट मुझे तो ऐसा ही बनाना है ना जैसे मैं मार्केट में देख के आई थी, पता नहीं क्यों मुझे ना जिद सी लग जाती है। अगर मैं किसी काम को देख लेती हूँ ना तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, मुझे तो ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है। ये चिक्किया मैं अपने घर में बहुत बार बना चुकी हूँ, या फिर ऐसा बोल सकते हो सर्दी आते के साथ ही हर बार बनाती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना। और जो कुछ चीज़ें मुझे फेवरेट होती है ना मतलब मुझे अच्छी लगती है फिर तो मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ। अब कोई मिठाई हो या कोई नमकीन डिश हो मैं बना के रहती हूँ, बस ऐसे ऐसे करके ना इनको हल्का हल्का सा दबाते जाइए। तो यहाँ पे ना 6-7 टिक्किया तो इस तरीके से बन चुकी थी, देखिए जितनी बड़ी ये टिक्की है ना। मैंने जब उस दुकान पर पूछा तो ये 30 रुपये की बोला, तो इतनी महंगी हम क्यों ले भाई जब हम बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट के 3 गोले से बचे हैं ना ये लड्डू से बचे हैं। अब ना यहाँ पर ये मिश्रण बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, अगर मैं इसकी चिक्किया बना भी रही थी ना इस तरीके से ये टिक्किया सी तो वो ना फट रहा था। कोई बात नहीं इसके हम ऐसे ही खा लेंगे, 3 गोले बच चुके हैं। देखिए मैंने ना छुपाया नहीं है, ये नॉर्मल सी होता है, इस काम को करने में थोड़ी फुर्ती करनी होती है, अगर थोड़ी सी हवा निकल जाती है ना तो फिर ये काबू नहीं आती है। तो यहाँ पर ये 6-7 टिक्किया बना ली है, एक टिक्की के जितना तो उस पैन में ही बच गया था, अब वो ना अच्छे से जम चुका है। मैं उसको छुटा रही थी ये छूट ही नहीं रहा था, चलिए इसको भी छुटा लेते हैं। काफ़ी पैसा तो लगा ही है ना, मेहनत तो लगी है ना, गैस को ऑन करके हल्का हल्का सा ना इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये क्या होगा तली छोड़ देगा। और इसको हम अच्छे से इकट्ठा करके बस इसके एक लड्डू सा बना लेंगे तो ये भी हमारा कामयाब हो जाएगा। देखिए है ना, चलिए ये हमारी मूँगफली की पीनट्स चिक्किया बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा इन चिक्कियों को खाने में भी टाइम नहीं लगेगा, अभी मैंने ये चिक्किया बनाई और ये खाने के लिए बिल्कुल ना तैयार हो चुकी है। अगर खाना चाहे आप, पैन में बहुत सारी चाशनी लग गई थी ना, पानी डाल दिया है तो जल्दी से फूल जाएगा, साफ कर दूंगी। चलिए आपको भी जरा सा दिखा ही देते हैं। तो ये लीजिए हमारी पीनट चिक्किया बन के तैयार हो चुकी है। अच्छा इन चिक्कियों को बनाने में कुछ खास ज़्यादा लागत नहीं लगती है, अगर आप बाजार से लेके आओगे तो मेरे ख्याल से ये 200-250 रुपये से ज़्यादा की बैठेंगी, और घर पे तो मेरे ख्याल से ये 50-60 रुपये में काम हो गया है। देखिए मैं आपको ना ये साथ के साथ ही तोड़ के दिखा रही हूँ, और इधर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने इसमें ना मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, पर चिक्किया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मीठा डिपेंड करता है, आप कम भी डाल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, डिपेंड यानी कि मतलब टोटल जो मेन पॉइंट होता है ना वो होता है चिक्की का टूटने का। देखिए बढ़िया टूट रही है ना,